गोली मारकर युवक की हत्या, जायदाद को लेकर हत्या करने की शंका। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 90 के समीप सर्विस रोड पर शव पड़ा होने की सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण व सुरीर पुलिस द्वारा मृतक की शनाख्त पंकज शर्मा निवासी हरनौल के रूप में की गई। मृतक पंकज के शरीर पर 4 गोलियों के निशान पाए गए थे, जिससे साफ प्रतीत होता है कि पंकज की हत्या गोली मारकर की गई है। जानकारी के अनुसार मृतक ने 2 दिन पूर्व अपने ही परिवार के लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पूर्व 31 जनवरी को मृतक पंकज के पिता की भी संदिग्ध परिस्थितियों में वृंदावन से लौटते समय हरनौल मिर्ताना मार्ग पर मौत हो गई थी। तब परिवार जन व पुलिस ने सड़क दुर्घटना मान कोई केस दर्ज नहीं कराया था। फिलहाल पुलिस ने मृतक पंकज शर्मा के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या घटना घटी है? पंकज शर्मा लड़का है, उसका मर्डर हुआ है। कहाँ के निवासी हैं? हरनौल के। क्या घटना, पूरी घटना बताएं। कुछ दिन पहले इसके पिताजी का मर्डर हो गया जी, और अब मतलब इसका मर्डर हो गया। तो मर्डर किस तरीके से हुआ, गोली मार के या कैसे? 3 गोली मारी। 3 गोली मारी है। तो अकेले बैठे थे? कितने? अकेला लड़का था ये जी। आज सुबह जो है पंकज शर्मा सोनापुर वाले हैं, उनकी डेड बॉडी यहाँ पे एक्सप्रेस वे किनारे मिली है और गोली मार की हत्या की है। लग रहा है डिस्टर्ब मामला लग रहा है और हम पंचायत कर रहे हैं, उनके परिवारजनों से तहरीर ले रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं। सर, क्या लग रहा है? अभी देखिए कुछ भूमि विवाद का मामला, जमीन संबंधी मामला आ रहा है। शायद इनके पिताजी ने जमीन बेची थी, इन्होंने जब कुछ मामला चल रहा था, तो आपकी पहली संतान है, जमीन संबंधी मामला लग रहा है। बताया जा रहा है पहले पूर्व में भी इसके पिता की हत्या हुई है? नहीं, कि पिता की मृत्यु हुई थी, लेकिन इसमें कोई भी पंचायत पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, ना कोई तहरीर आई थी। इसलिए मामला नहीं कर सकते जो है, क्योंकि 2-3 महीने पहले मृत्यु हुई थी, ये जानकारी में आया है। लेकिन उस संबंध में कोई भी थाने सूचना नहीं प्राप्त हुई थी। अब इनकी हत्या हुई है, इस संबंध में सभी हिंदुओं को जाँच कर रहे हैं और किसी की घटना खुलासा करेंगे।